जय माता रानी की। दोस्तों, ग्रहण का आपका मुहूर्त आ गया है, कल है 21 तारीख को, और जो ग्रहण का जो टाइम है मैं आपको बता देता हूँ। सूतक जो लगेगा, सूतक लगेगा आज रात 10:15 के आसपास, ठीक है, 14-15 मिनट। 12 घंटे इस जो ग्रहण है, जो बड़ा ग्रहण है, बहुत योग बनना है, अमावस्या भी है, बहुत चीज़ें बन रही हैं इसमें, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। पूजा पाठ साधना के क्षेत्र में अति उत्तम है ये ग्रहण, अति उत्तम यानी अति उत्तम। सालों में ऐसे योग बनते हैं, इतनी तारीख तिथियाँ बार नक्षत्र सब मिलते हैं एक साथ, ठीक है। और एक चीज़ और है, इस ग्रहण में आज जैसे कि 20 तारीख है, तो कल तक आपको तैयारी करने का पूरा टाइम है, रात आज दिन भर पूरी तैयारी कर सकते हैं इसकी। आप कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, देवी मंत्र के जाप कर सकते हैं, हनुमान जी के जाप कर सकते हैं, शिव शंकर जी के जाप कर सकते हैं, बगलामुखी के जाप कर सकते हैं, भैरव बाबा के जाप कर सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान का जाप कर सकते हैं, कृष्ण भगवान के जाप कर, लगभग हर जाप कर सकते हैं इस समय। आप कोई ऐसा मंत्र या जाप नहीं है जो इस समय आप ग्रहण में नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। शुद्ध विशुद्ध साधना, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ये विशुद्ध साधना भी कर सकते हैं आप, विशुद्ध मंत्र जाप। अनियमित करिए, बिल्कुल बहुत लंबा ग्रहण है, बहुत लंबा, बहुत टाइम मिलेगा आपको। अगर आपको एक से ज़्यादा मंत्र करने हैं, तो आप 3 तक मंत्र कर सकते हैं, 5 तक मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ग्रहण है ना, इसमें 5 तक मंत्र आप कर सकते हैं, एक एक माला करें या 21-21 करें। कोई जटिल और गुप्त मंत्र हैं वो इसमें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है साहब। और देखिए, आपको एक बात बताऊँ, आज जैसे आज रात को 10:14-15 पर इसका सूतक शुरू होगा, ठीक है, वो सूतक रहेगा सुबह तक। जो ग्रहण का जो अंश शुरू होगा 9:30, और जब जो बिल्कुल अच्छे अंश से ग्रहण जो शुरू होता है वो होगा 10:15-20 के बाद, ठीक है, तब से ग्रहण शुरू होगा और आपका ग्रहण लगातार 10:20 पर शुरू होगा और आपका ग्रहण पूरा जो प्रभाव, पूर्ण प्रभाव, मतलब पूरे वेग पर, ताकत पर होगा ग्रहण, वो होगा 12:05 के आसपास, 12:02-5 के आसपास रहेगा पूरे पावर पे, मतलब पूर्ण ग्रहण जिसको कहते हैं। उसके बाद उसका उतार शुरू होगा, मतलब वो ढलना शुरू होगा, और वो ढलेगा 1:50 तक ढलेगा वो, मतलब 1:50 पर आपका ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। ये है बहुत लंबा टाइम, 2-3 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। 3 घंटे का टाइम मिल रहा है करीब करीब आपको, 3.5-4 घंटे का, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। बड़े से बड़े मंत्र सिद्ध हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें सिद्ध हो सकती हैं, बड़े मंत्रों को सिद्ध करिए। ओम नमो काली गंगाली महाकाली के पुत्र कंकाल विरोप में आज मेरे बेतन कान धान बांध चलते हुए सौ समय दसों दशा मंदोना ही बट्टा कुटा पूर्व में भी पूर्व में काटी जी बट्टा मेरा भैया सभा घड़ी सभा सभा दिन सभा महासभा सभा काली माता की पर भजन सुख समझ उसको बातचा सुख भोई नाट चावल को मेरा व्यवहार अग्नि की ज्वाला कर की जटा टूट भूमि में माता पार्वती के चीर पर चोट बिना हुक्म नहीं मानो कंकाल काली का पुत्र कंकाल मंत्र सुचा। ये मंत्र मैंने डाल रखा है, इस मंत्र को आप कर सकते हैं, इसको अधूरा बोलना पाप होता है, इसलिए मैंने पूरा बोल के बताया, तो इस मंत्र को आप कर सकते हैं। दुर्गे देवी नमस्तभ्यम सर्व कामार्थ साधगे मम सिद्धिम सिद्धि व स्वप्ने स्वर्ग प्रदर्श है, जी मंत्र कर सकते हैं आप। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति बुद्धि सनातन राष्ट्र गुरु में नारायण नमस्तभ्य, ये कर सकते हैं आप। हे हनुमान 12 बरस का भगवान हाथ में तुम भगवान हाथ मारता भगवान मेरी भक्ति गुरु की शक्ति गुरु मंत्र विष्णु वाचा, ये वाला मंत्र कर सकते हैं आप। मंत्र तो मैं आपको 10,000 यहाँ पर बोल करके बता दूँ, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई 2-3 मंत्र बढ़िया तरीके से करिए पकड़ करके आप, 2-3 मंत्र बढ़िया तरीके से कीजिए। और अगर बगलामुखी की शक्ति का अनुभव लेना चाहते हैं और ताकत देखना चाहते हैं तो मंत्र कर सकते हैं ओम भीम बगलामुखी सब दुष्टान पाचम मुखम पदम स्तम वाम की लगनाशी मम स्वाहा, ये मंत्र कर सकते हैं आप। एक बार में 36 माला करिए बगलामुखी मंत्र की ग्रहण में बैठ करके, आपको बगलामुखी की ताकत का एहसास होगा। किसी भी देवता को अगर आप मानते हैं, किसी भी देवता को आप सेवा सेवा करना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी का एहसास करना चाहते हैं, तो आपको अपने छोटे मोटे प्रयोगों से हट करके बड़े और सही सटीक समय पर और सही प्रयोग करने पड़ेंगे। कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जिसमें सूतक होता है वो 8 घंटे पहले लगता है, कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं जिसमें 9.5 घंटे पहले लगता है, कुछ ग्रहण ऐसे होते हैं 12-12.5 घंटे पहले, ये 12.5 घंटे पहले लगेगा इसमें ग्रहण, यानी आज रात 10 बजे ध्यान रखिएगा। ग्रहण की जो पूजा होती है उसमें पूर्व दशा ही उत्तम होती है, ग्रहण की पूजा में ध्यान रखिएगा पूर्व दशा उत्तम होती है। आसन आप कोई भी ले सकते हो, आसन का कोई बंधन नहीं है, आसन आप कोई भी ले सकते हो। प्रसाद आप ग्रहण से पहले ही लगाएंगे
प्रसाद को अलग निकाल के रखेंगे, मंदिर में रखा रहने देंगे, उसको ग्रहण में बिल्कुल टच नहीं करेंगे। दीपक आपको पहले ही बना के रखना पड़ेगा ग्रहण के अपने पास में, उसको आप जला सकते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले, ग्रहण शुरू होने से 2 मिनट पहले जला सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ग्रहण की शुरुआत हो रही है 12:55 पर, तो आज 12:05 पर 10 मिनट पर जला दीजिए दीपक को, ठीक है साहब, सॉरी 10:10 पर, अरे क्या कह रहा हूँ, 10:10 पर जला दीजिए दीपक, तो वो दीपक मान्य होगा। ग्रहण में दीपक जलाना मान्य नहीं होता। कई चीज़ें होती हैं साधना के क्षेत्र में आप लोगों को नहीं बताई गई हैं या आपको पता नहीं है, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। प्रसाद को ग्रहण में टच नहीं किया जाता, वो देवता को नहीं मिलता है। इससे अच्छा होता है आप ग्रहण के बाद ही प्रसाद लगाइए, ठीक है ना, ग्रहण के बाद ही प्रसाद लगाइए। वीडियो इमरजेंसी में जल्दी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने देखा कि कल मैंने व्हाट्सअप चेक किया, 2400 मैसेज थे ग्रहण के लिए, तो 2400 मैसेज, क्योंकि मैंने उस चीज़ को छांट के देखा रात को, मैंने 2400 मैसेज ग्रहण के लिए निकले साधनाओं के लिए, तो मुझे डालना पड़ा जल्दी से, नहीं तो मैंने सोचा था सबको मालूम ही है, पहले ही बता रखी मैंने कई चीज़ें, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ग्रहण में जो अचूक मंत्र होते हैं उनके बारे में मैं बता दूँ आपको, काली के मंत्र, जैसे कि काली का मंत्र है, ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिये ब्याली चार वीर भैरव 84 बात तो पूजू मनाऊँ मिठाई अब बोलो काली की दुआएं, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और सिद्धि के लिए अति उत्तम मंत्र है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को भी आप कर सकते हैं, ठीक है मित्रों, चलिए आप करिए, और सारी जानकारी मैंने आपको डाल दी है, और आप इस हिसाब से कर सकते हैं। जय माँ भवानी, जय माता रानी। दूसरे चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, आज लगभग सारे चैनल पर वीडियो रहेगी मेरी एक एक, ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके और पूरी तरह से आप कर सकें, ठीक है। जय माँ भवानी, जय माता रानी।